ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हम लोग कर रहे थे और आज के इस वीडियो में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट होते ही हमारा 50% इंडियन ईगो कंप्लीट हो जाता है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सेकंड पार्ट और खत्म करते हैं इसे। तो एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास बचा है, एडुकेशन। ऑल्दो सीबीएसई ने बहुत कुछ कट करा है इस टॉपिक से इस साल, बट स्टिल ये आपको इतना इतना पता होना चाहिए। सबसे पहले एडुकेशन का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज एडुकेशन? सबको पता है पढ़ाई लिखाई क्या होता है। एडुकेशन इंप्लाइज द प्रोसेस ऑफ TTL, याद रखना TTL। जब भी एडुकेशन आए तो तीन चीज लिख के आना, TTL। ये TTYL नहीं है, टॉक टू यू लेटर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू राइट नाउ मैन, TTL, टीचिंग ट्रेनिंग एंड लर्निंग। It implies the process of teaching, training and learning. It is the undercurrent, बहुत बढ़िया word है लिख के आना। It is the undercurrent of economic and social change. Economic और social change का undercurrent, एक power. अगर हमारे पास education अच्छा है हमारी economy में, तो हमारा economy और socialistic way में भी अच्छे से develop हो सकता है। तो economic और सामाजिक social change का undercurrent education होता है। इट इम्प्रूव नॉलेज एंड डेवलप स्किल्स, लोगों की नॉलेज को और स्किल्स को बढ़ावा देता है एडुकेशन। पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा नॉलेज होती है, ज्यादा स्किल्स होती हैं। तो एडुकेशन का जब भी डेफिनेशन आए तो इट इम्प्लाइज द प्रोसेस ऑफ TTL, टीचिंग ट्रेनिंग एंड लर्निंग। तीनों चीजें होनी जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई एडुकेशन, जल्दी से बता दो, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एडुकेशन? नंबर वन, इट प्रोड्यूसेस रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। जितने भी लोग पढ़े लिखे होंगे वो काफी अवेयर होंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के, तो और वो जितना भी काम करेंगे एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन काम करेंगे। तो एडुकेशन प्रोड्यूस करता है, पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा सिंसियरिटी, ज्यादा अवेयरनेस आता है, तो वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इट एक्सपेंड्स मेंटल हॉरिजन ऑफ पीपल, लोगों का सोचने का तरीका, काम करने का तरीका, उनका जो हॉरिजन है, जो वे ऑफ लिविंग है, जो वे ऑफ वर्किंग है, वो काफी एक्सपेंड हो जाता है। आपका विजन ब्रॉड हो जाता है। जब आप पढ़ लिखे हो जाते हो तो आपको चीज़ों को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो इट एक्सपेंड्स मेंटल ओरिजन ऑफ द पीपल, इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब साइंस और टेक्नोलॉजी को पढ़े लिखे लोग डेवलप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पे बेस्ड होती है, और वो रिसर्च कौन लोग करके देते हैं? हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, हमारे बड़े बड़े इंजीनियर्स, हमारे सारे के सारे वो लोग जिनों के पास एक बेसिक नॉलेज है। किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होगी तभी तो मैं उसको डेवलप कर पाऊंगा। तो इट डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इट डेवलप्स ह्यूमन पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में तो आप देख ही सकते हो, आप अपने घर के आसपास देखो, जो लोग पढ़े लिखे होंगे उनका जो पर्सनालिटी होगा वो ही अलग होगा, उनका चलने का, बोलने का, काम करने का तरीका अलग होगा। और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनका चलने का, बोलने का, भाई साहब बस मत पूछो कितना सुंदर बोलते हैं वो लोग, कितना बढ़िया बोलते हैं वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत ज़्यादा अलग चलते हैं वो लोग, बहुत अलग पर्सनालिटी होती है। तो एडुकेशन हेल्प्स यू टू डेवलप ह्यूमन पर्सनालिटी। नेक्स्ट इज, इट प्रमोट्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ सिटीजन, लोगों के कल्चरल स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव करता है, कल्चर को भी, सोशल को भी, सोसाइटी को भी। हमारे जितने भी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स तो ऑब्वियसली इम्प्रूव होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ कल्चरल स्टैंडर्ड्स भी इम्प्रूव होते हैं, हमारा कल्चर भी ग्रो होता है यूजिंग एडुकेशन। क्या एडुकेशन इतना होने के बाद आज भी एक चैलेंज है? इतने ज्यादा साल हो गए हैं, इतनी सारी नई पॉलिसीज देख ली हैं, क्या एडुकेशन इज स्टिल अ चैलेंज? द आंसर इज यस, एडुकेशन इज स्टिल अ बिग चैलेंज फॉर द इकोनॉमी। ये हमें कैसे पता चला? देखो, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, इतना डेवलपमेंट होने के बावजूद आज भी देर आर लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन इंडिया। हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा लोग आज भी इलिटरेट हैं, आज भी लोग इतने अवेयर नहीं हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, आज भी लोग इतने कॉन्शियस नहीं हैं कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें। इतना डेवलपमेंट होने के बाद भी आज भी देर आर लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स इन आर कंट्री। तो एडुकेशन कितना बड़ा चैलेंज हुआ। नंबर टू, इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि आज भी हमारा जो एडुकेशन है एक डिग्री ओरिएंटेड वर्क है, मतलब कि हम लोग सिर्फ फोकस कर रहे हैं डिग्रीज लेने पे। मैंने किसी इंसान से पूछा, मैं एक स्टोरी पढ़ रहा था, तो वहां पे देखा कि एक इंडिविजुअल एक कंपनी में गया जॉब लेने के लिए। तो उसने पूछा, भैया क्या कर लेते हो, आपको क्या क्या काम आता है? उसने कहा, सर ग्रेजुएट हूँ। उसने कहा, अच्छा, साइकिल अगर चैन उतर जाए चैन चढ़ा लोगे? कह रहा, नहीं सर। उसने कहा, खाना बना लोगे? कह रहा, नहीं सर। क्लीनिंग कर लोगे? नहीं सर। पंचर लगा लोगे? नहीं सर। अरे भाई, आप लोग टाइपिंग कर लेते हो, टाइपिंग जानते हो? कह रहा, नहीं सर। आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जानते हो? नहीं सर। अरे भाई, फिर आता क्या है? सर ग्रेजुएट हूँ। दिस इज वॉट वी कॉल इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। डिग्रीज लेके बैठे हैं, काम के नाम पे शून्य, शून्य समझते हो ना,
बिल्कुल कुछ पता ही नहीं है कि एक्चुअल में काम करना क्या है। यही आजकल हो रहा है। अब तुम लोग जानते ही हो अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड्स को, तुम अपने स्कूल्स को कॉलेजेस को देखो ना, क्या सभी 100% स्कूल्स और कॉलेजेस आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं? आप मुझे अभी बता देना क्लास 11th में आपके पास, अगर आप किसी ऐसे बोर्ड से हो जहाँ पे 11th में ही इंडियन इको है, तो आपके क्लास में मुझे जल्दी से बताओ अकाउंट्स में, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो अकाउंट्स में लास्ट में चैप्टर्स आते हैं टैली, कंप्यूटर्स, द प्रैक्टिकल चैप्टर्स, क्या आपको कराए गए हैं? छोटा सा सवाल, क्या आपको प्रैक्टिकली लैब में ले जाके कंप्यूटर में अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के बारे में नॉलेज दी गई? टैली के बारे में बताया गया? बिजी के बारे में बताया गया? बताया गया कैसे अकाउंट चलती है? नहीं दी गई होगी। अगर दी गई है तो यू आर वेरी लकी कि आपके स्कूल में प्रैक्टिकल पढ़ाया जा रहा है, अदरवाइज थ्योरी रटो मेरे भाई और नंबर ले लो। दिस इज व्हाट वी कॉल इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। लोगों को रटने के लिए मजबूर करा जा रहा है रादर देन चीजों को समझने के लिए। भाई जॉब तभी मिलेगी अगर चीजें आती हैं, रट के जाओ कुछ नहीं मिलेगा, समझ रहे हो? जेंडर बायसनेस बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। व्हेन इट कम्स टू द गल्फ बिटवीन द पुअर फैमिलीज एंड द रिच फैमिलीज, जितने भी हमारे यहाँ पे फैमिलीज हैं, परिवार हैं, वहाँ पे एक डिवीजन बन गया है पुअर और रिच का। वो भी क्यों बना है? वो भी इसलिए बना है क्योंकि एडुकेशन इज स्टिल अ एक्सपेंसिव थिंग व्हेन इट कम्स टू प्राइवेटाइजेशन। एडुकेशन में भी दो तरीके की एडुकेशन हो चुकी है, गवर्नमेंट एडुकेशन एक प्राइवेट एडुकेशन। प्राइवेट एडुकेशन इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, एवरीवन कांट अफोर्ड प्राइवेट एडुकेशन। तो उस सिनेरियो में जेंडर बायसनेस हमें देखने को मिलता है। लोग अपने कुछ बच्चों को पढ़ा देते हैं, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। इसमें हमें सबसे ज़्यादा मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, आज बहुत कम हो गया है, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो हो गया। आज भी देर आर पीपल जो पढ़ाई में भी जेंडर बायसनेस करते हैं। वो अपने मेल चाइल्ड को पढ़ाएंगे, फीमेल चाइल्ड को बस एक लेवल तक पढ़ाएंगे या शायद पढ़ाएंगे भी नहीं। तो ये जेंडर बायसनेस जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्टिल बहुत सारे एरियाज में आज के टाइम में भी ये देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज है एडुकेशन। लो रूरल एक्सेस लेवल, रूरल एरियाज में एडुकेशन डेवलपमेंट अभी तक नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, है, बट स्टिल हर रूरल एरिया तक क्या एडुकेशन पहुंच गया है? हर रूरल एरिया तक क्या अच्छे स्कूल कॉलेजेस पहुंच गए हैं? द आंसर इज नो। अभी भी आज भी 2021 में हम लोग आ चुके हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे इंटरनेट तो बहुत दूर की बात है, स्कूल्स कॉलेजेस कुछ नहीं है, तो वहां तक एडुकेशन कैसे जाएगा? हम कैसे डेवलप्ड नेशन कहलाएंगे? दिस इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन, दिस इज स्टिल अ बिग क्वेश्चन मार्क। कोई इस चीज पे ध्यान दे तभी तो। तो गवर्नमेंट ने भी एक्सपेंडिचर नहीं करा। हम लिख सकते हैं लो एक्सपेंडिचर ऑन एडुकेशन, जो गवर्नमेंट को खर्चा करना चाहिए था वो खर्चा भी एडुकेशन के ऊपर नहीं करा गया है। दैट इज वाई वी कॉल इट अ चैलेंज राइट नाउ। एडुकेशन आज भी एक चैलेंज बना हुआ है। तो बेसिक सा ये टॉपिक था, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नोट्स बनाने हैं साथ साथ बना लेना, जो छोटा हुआ था वो आई थॉट पहले इसे पूरा करते हैं, फिर अगले चैप्टर के साथ प्रस्थान होता है क्या होता है, आई डोंट नो, तुम लोग को पता ही है यार, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज ओवर। थैंक यू सो मच।